क्षत्रिय धर्म संसद काकाशी द्वारा शहर उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत चंद्रवाटिका बसही में समारोह का आयोजन, जिसमें क्षत्रिय धर्म सांसद काशी के कई पदाधिकारी एवं सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, सम्मान और विकास के मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा को समर्थन करने के लिए रखा गया था। कार्यक्रम का शुरुआत संजीव सिंह ने राष्ट्रीय गीत गाकर किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शहर उत्तरी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी रविन्द्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सूर्यबली सिंह, डॉक्टर रमेश आचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज राहुल सिंह, सचिव स्वामी अतुल नंद, रचना परिसर सुधीर सिंह, बीजेपी नेता अरविंद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार डीडी न्यूज एसएन सिंह, रिटायर्ड आईपीएस रमेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही कई पदाधिकारियों ने R9 भारत न्यूज से क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। उत्तरी विधानसभा को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? हम सब कार्यकर्ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ रही है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी के नीति पर चुनाव हो रहा है, उनके जनता के द्वारा जो किया गया काम उस पर चुनाव हो रहा है। मेरा पाठ सिर्फ इतना ही है कि जो सरकार की योजनाएं हो जनता तक पहुंचा सको, ये मेरा काम है। शहर उत्तरी विधानसभा के लिए क्षत्रिय धर्म संसद के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए कहा गया, क्या है और कितनी तैयारियां है चुनाव को? क्षत्रिय धर्म संसद एक बड़ा संगठन है जो पूरे देश में कार्य कर रहा है। मुख्य रूप से इसका केंद्र गुजरात में है। गुजरात के जो क्षत्रिय भाई लोग हैं उनके साथ जुड़ करके लोगों ने सभी जितने क्षत्रिय संगठन हैं सबको एक साथ एक बैनर तले लाने का प्रयास क्षत्रिय धर्म संसद ने किया, और इसी मंच के माध्यम से आज आह्वान किया गया है कि केवल शहर उत्तरी नहीं, पूरे जिन 5 प्रदेशों में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ जहाँ भी क्षत्रिय हैं वो राष्ट्रीयता को महत्व दें, राष्ट्रीयता को वरीयता दें और कमल को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें, मतदान अवश्य करें, नोटा का प्रयोग न करें। हमारे घर की महिलाएं, बच्चे, मौसा, फूफा, नाते रिश्तेदार जितने लोग सबको निकाल कर हम बाहर ले आए और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके अपने ताकत दिखाएं। जहां क्षत्रिय वोटों की बात की जा रही है, बात अगर बनारस की 8 विधानसभाओं की की जाए तो कितने विधानसभा में क्षत्रिय काफी कैंडिडेट बनाएंगे? देखिए, क्षत्रिय तो रक्षा मंत्री हैं, क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे मंत्रालयों में हमारे क्षत्रिय लोग कार्य कर रहे हैं। बनारस की विधानसभाओं में अगर क्षत्रिय प्रतिनिधि नहीं दिया गया तो इससे क्षत्रिय कतई हतोत्साहित नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रतिनिधि को मिले तभी हम राष्ट्रीयता की बात करें। इसीलिए मैंने आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देते हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे कह भी दिया कि विषपान के लिए हम तैयार हैं, अपना कंठ नीला करने के लिए तैयार हैं, अमृत का जब बारी आए तब भी हमको पूछ लीजिए। कंठ नीला की बात हो रही है, दक्षिणी विधानसभा का हाल आप भी जानते हैं क्योंकि बनारस के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे दक्षिणी विधानसभा को लेकर के? दक्षिणी विधानसभा में माननीय नीलकंठ तिवारी जी जो मंत्री भी थे उन्होंने बहुत कार्य किया है, और मैंने फिर आपसे दोबारा कहूँगा हम मोदी और योगी को देख रहे हैं और किसी एक प्रत्याशी के लिए नहीं यहाँ कार्य कर रहे हैं। ये सभी लोग जो है उसी कमल के नीचे आते हैं, उसी की छाया में आते हैं, उसी की शैडो में आते हैं, और उन्होंने बहुत कार्य किया है दक्षिणी विधानसभा में। वो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी, प्रतिकूल थी, और बहुत सारा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, बहुत गलियों में बसा हुआ क्षेत्र है, इसलिए उसका विकास जिस प्रकार से हाईवे बन गए इस तरह से विकास कर पाना कठिन था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत कार्य सरकार ने किया है, 5 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। अब जनता का रोल है, जैसे अभी किसी हमारे वक्ता ने कहा कि इजराइल के ऊपर युद्ध होता है, हमला होता है तो पूरी जनता भी साथ लड़ती है, सैनिकों के साथ, तो हमको भी सफाई का ध्यान देना पड़ेगा, हमको भी विकास हो रहा है उसमें सहयोग करना पड़ेगा। केवल सरकार सहयोग बना देगी, सरकार या प्रतिनिधि केवल आपका सहयोग कर देगा, ये संभव नहीं। कल PM मोदी का आगमन हो रहा है, कितनी तैयारियाँ हैं और कितने? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि उसमें कितने तरह की तैयारी। आम आदमी के तौर पे दिल गदगद है कि प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं, और भगवान करें कि उनको शतायु बनाए, 200 साल जिए, और आने वाले जितने साल मैं जीऊँ उतने साल तक कम से कम जरूर प्रधानमंत्री। चुनावों को लेकर के तैयारियाँ जो चल रही हैं, आप BJP में अभी फिलहाल जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे कितनी तैयारियां हैं बनारस की 8 विधानसभाओं की अगर बात करें? देखिए, हम लोग मेन शहर की विधानसभा देख रहे हैं, साथ में पिंडरा और रोहिया भी देख रहे हैं, और हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खास तौर से हम लोग 25 साल से एक पार्टी में थे, तो उस पार्टी में जो कार्यकर्ता थे, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग में से जो अच्छे कार्यकर्ता हैं
जो साफ सुथरी छवि कार्यकर्ता हैं उनको खींच करके भारतीय जनता पार्टी में ले आए। हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं। कन्हैयालाल गुप्ता जी ज्वाइन किए, राजकुमार जायसवाल जी ज्वाइन किए, बहुत से समाजवादी पार्टी को अभी मार्कंडेय तिवारी 500 कार्यकर्ता के साथ ज्वाइन किए। तो अभी यही अनवरत ये क्रम चल रहा है। अभी कुछ दिन में साहू समाज की पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है। तो अभी सुजीत मौर्या जी आए बसपा से, तो ये लगातार मजबूती हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आम कर दे भारतीय जनता पार्टी में अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो पूरी छानबीन होती है, आपका पुलिस रिकॉर्ड भी देखा जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आम कर दे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो हमें लगता है इस बनारस में लाइन लग जाएगी, लड़ी नहीं टूटेगी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के समय कल पीएम मोदी का आगमन हो रहा है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं की? अगर बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री स्तर का आदमी अपने कार्यकर्ता से बात करना चाह रहा है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आज RT-PCR कराने के लिए और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए एकदम लाइन लगी हुई थी और 20,000 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और बहुत से लोगों को मौका मिलेगा उनसे बात करने का भी, उनके साथ फोटो खिंचाने का भी। तो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और उस कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता दूने जोश से क्षेत्र में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का अंतर है, जहां 50,000 होगा वहां 1,00,000 हो जाएगा, जहां 1,00,000 होगा वो उससे भी ज़्यादा होगा। कई मुद्दों पर व्यापारियों की व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है उससे सीधा असर पड़ने वाला है बीजेपी के वोट बैंक पर? देखिए, व्यापारियों के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और व्यापारी ठीक है, हम अपने घर में हैं, माता पिता से भी अगर किसी चीज़ की शिकायत होती है तो आदमी विरोध करता है। तो विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम आपके विरुद्ध हैं, हम अपनी शिकायत आपसे दर्ज करा रहे हैं, आपके नॉलेज में आप अपनी शिकायत ला रहे हैं। तो कोई नाराज नहीं है, हर आदमी उत्सुक है कि 7 तारीख को आवे और अपना मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। क्षत्रिय धर्म संसद का आज किया गया, क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियां आप लोग? हमारी जो तैयारी है वो ये है कि जो भी पार्टी सरकार बनावे वो राष्ट्र के हित में सोचे, देश के हित में सोचे। राष्ट्र पहले है, देश पहले है, बाकी सब बाद में है। इसी निमित्त जो है हम लोगों ने जो है क्षत्रिय धर्म संसद के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपने काफ़ी नज़दीक पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है वो राष्ट्र के प्रति है, देश के प्रति है। आलोक कुमार सिंह, चीफ ब्यूरो, वाराणसी, ऑनलाइन भारत।